गरीबों का मसीहा जिंदाबाद 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 करपुरी ठाकुर जिंदाबाद 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 करपुरी ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद करपुरी ठाकुर जिंदाबाद 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 करपुरी ठाकुर जिंदाबाद 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 जयेश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जयेश कुमार जिंदाबाद श्याम नारायण सिंह जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद प्रधानमंत्री जिंदाबाद जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न देने के शुभ अवसर पर जिंदाबाद लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिंदाबाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद श्याम नारायण सिंह जिंदाबाद जयेश कुमार जिंदाबाद

झुकने तो देंगे न रुकने देंगे इसको हमेशा वीर के तरह बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे जैसे कविता है कि वीर तुम बढ़े चलो हाथ में धजा रहे बल दल सजा रहे धज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं तो जहां एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को रामलला को एक भव्य राम मंदिर में स्थापित किया वहीं दूसरी ओर 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी वही कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं जो कहीं ठाकुर समाज के के लिए गरीबों के लिए मसीहा माना जाता था हमारे साथ ठाकुर जी बैठे हैं इन्हीं से जानेंगे कि जो भारत रत्न देने की घोषणा की गई तो कितना ठाकुर समाज खुश है या फिर क्या कुछ है हम इनसे जानेंगे तो हम जानना चाहेंगे दर्शकों को बताइए कि कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे थोड़ा सा बता दीजिए आप। देखिए आप जो कहें कर्पूरी ठाकुर जी नहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अच्छा जो आपको अभी सुनने को मिलता है कि वसुधे कुटुम्ब सबके साथ अच्छा। सबका विकास अच्छा। ये नीति हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में थे अच्छा। जो उसकी विचारधारा सभी को लेकर चलते थे सभी वर्ग अच्छा। को लेके चलते थे और हम लोग भी उन्हीं का विचारधारा पर मैं अशोक ठाकुर खास करके हाँ अच्छा। चलने का प्रयास करता हूँ अच्छा। और साथ ही साथ मैं माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाँ ठाकुर समाज के इधर से दिल से धन्यवाद देते हैं और ये बहुत बड़ा कदम उठाएँ जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रतन मिले अच्छा। दिए तो हाँ। खुश है ठाकुर समाज बहुत 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 खुश है उनको दिल से धन्यवाद देते हैं जो काम पहले हो जाना चाहिए था आज वो काम हो रहे हैं तो लग रहा है है कि सम्मान मिला ठाकुर समाज को जी 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 सम्मान मिला और मैं और आशा करता हूँ माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से कि आपके नजर में भेदभाव नहीं है मैं इसके दिल से धन्यवाद देता हूँ और ठाकुर समाज को आगे उठाने की नाई समाज को आगे उठाने की और आप प्रयास करें ताकि जो नाई समाज में छिपा हुआ है नेतृत्व करने के लिए समाज अच्छा। का समाज का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो वो नाई समाज का जो है नहीं कर सकता है क्योंकि वो जोड़ने का काम करता है तोड़ने का काम नहीं करता है उसमें किसी प्रकार की राजनीतिक भेदभाव नहीं होता है आप उसको इतिहास उल्टा कर देख लीजिए और बहुत बड़ा शासक का हम लोग जो है वंशज हैं तो ये नेतृत्व जो है हम लोग कर सकते हैं हम लोग बिहार को और भारत को विकास कर सकते हैं पूरा सजा सकते हैं इन लोगों के तरह जो है हम बेच नहीं सकते हैं विखंडित नहीं कर सकते हैं अवैध कब्जा नहीं कर सकते हैं हाँ समाज का हालात जो है सुधारने का बजाय बिगाड़ बिगाड़ रहे हैं वो सब हम लोग में नहीं है तो कुछ लोग कहते थे कि माननीय करपुरी ठाकुर जी थे उसको उसका मजाक खूब उड़ाया जाता था कि तुम मुख्यमंत्री बनेगा खूब लोग उसका मजाक उड़ाते तो क्या कहेंगे जो मजाक तो उड़ाते लोगो थे सुनिए जो मजाक उड़ाते थे सोच बदलने का काम सुनिए जो लोग मजाक उड़ाते थे आज उनको देखिए कितना बड़ा मुंह पर जो है आज चमत्कार लगा है जो आज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जननायक किसी नेता में नहीं लगता है या कि इतिहास उल्टा के देख लीजिएगा ये कर्पूरी ठाकुर जी में ही लगे हैं तो मैं ये बात आपको बिहार भासी, पूर्णिया वासियों को सभी को भारत वासियों की गर्व की बात है हम लोगों के भी गर्व की बात है और मैं चाहता हूँ की नाई समाज को आप आगे है खुलकर सामने आने दीजिए और तब देखिए कि राजनीति और रणनीति बिहार में किस तरह का विकास होता है बाहर आता है और अपराधियों को जो है आपको जमीन कम पड़ जाएगा उसको भागना पड़ जाएगा आज वही देख लीजिए योगी ठाकुर है हाँ वो किस तरह संभाल के रखा है हाँ? तो आज अगर यदि वासियों को समझ में आएगा कि सबको देखे हैं अब एक बार कम से कम नाई समाज के नेतृत्व में फिर पुणे कर्पूरी ठाकुर जी को जिंदा करना है और उसी का राह पर वसुधे कुटुम्ब सबका साथ सबका विकास वो हम दिखा देंगे कैसे होता है कार्यक्रम अच्छा। और अब हम लोग सजग हो गए हैं अच्छा। नई समाज और उससे हम आ, आहन करते हैं कि आप लोग जो है एकता, एकता का परिचय दीजिए और जो भी काम करना है कीजिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपनी भागीदारी को निभाइए और कर पुनः कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा को जिंदा कीजिए कुछ लोगों का मानना है कि वर्तमान में जिसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की वो उनके विचारधारा से सहमत नहीं है तो ऐसे में उनको जो भारत रत्न दिया गया है अब आगे उनके विचारधारा को लेकर आगे बढ़ पाएंगे लग रहा है आपको एकदम हम लोग जब देखिए हम सरकार को हम लोग न पहुंचाते हैं मैटर आपके माध्यम से चुनावी सुनिए मामला तो नहीं है नहीं देखिए चुनाव है नहीं, 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 ना चुना, चुनाव, चुनाव तो हर बार आएगी हर बार जाएगी अच्छा। सरकार आएगी जाएगी अच्छा। रहा कर्म की बात अच्छा। रहा किसी के काम का परिचय देने का तो एक वही एक व्यक्ति थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अच्छा। जो सभी का विचारधारा को दुख तकलीफ सुनते अच्छा। थे और उनको जो है तट निपटाने अच्छा। का और उसको फायदा पहुंचाने का काम करते थे तब न उसमें जन नायक लगे हैं अच्छा। वो उनके घर देखिए आज भी जो है विखंडित पड़ा हुआ है अच्छा। कहाँ वो महल जो गए कहा कुछ किए कुछ नहीं है अच्छा कर्पूरी ठाकुर के यहाँ तक कि नाम को भुला दिया गया था धाप दिया था वो तो वो तो कहे लग गया तब सुनिए आज आज मैं बता देता हूँ की मैं अशोक ठाकुर आज जिस प्रकार से मैं दहारा सरकार के ऊपर अच्छा। और मैं कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा को जिंदा नहीं किया तो आज जो है दबा हुआ था कर्पूरी ठाकुर अच्छा। का विचारधारा मैं पूछना चाहता हूँ तो बड़े बड़े जो हमारे ए, समाज का जो नेता बना हुआ है अच्छा। आज जो है सत्तर साल में आप कहा थे आज अशोक ठाकुर के दहाड़ने से देख लीजिए आज कर्पूरी पुनः जिंदा हो गया कर्पूरी ठाकुर का विचार अगर लेकर चलता है तो एकमात्र अशोक ठाकुर ही अभी चल रहा है और जो नाई समाज का ऊपर बैठा हुआ उसका नहीं चलने दे रहा है क्योंकि हम पार्टी पोलिटिक्स नहीं करते हैं हमारा खुलकर बात बात किसको दे रहे हैं अभी अभी तो देखिए जो जो उनको भारत रतन दिए है सरकार अच्छा। आप तो बहुत सरकार आए गए कांग्रेस भी थे ये भी थे तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी को अच्छा। दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जी जो है उनके बेटा जाति जनगणना करवा रहे हैं उनमें सम्मिलित है जिनका विरोध कर रहे हैं भाजपा जाति जनगणना हाल ही में न हुआ मैं कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर का पुत्र के विषय में मैं किसी प्रकार की टिप्पणी टिपाना नहीं करूँगा क्योंकि उनको जो है सेंटिंग पोस्ट में बैठा दिए है आप अपना बैठल ली तमाशा देखिए बाकी आपको समाज हित में कहां आकर क्या बोलना है कितना भी बिहार का जनता जानता है जितना अशोक ठाकुर को जानता है उनको जानते हैं तो वही तो हम कह रहे हैं कैसे उसकी विचारधारा को फिर आगे बढ़ाएंगे जो विचारधारा हम लोग बढ़ाएंगे हम लोग बढ़ाएंगे अच्छा, हम सब सभी समाज मिलकर बढ़ाएंगे अच्छा, दबे कुचले आदिवासी सभी वर्ग के लोग मिलकर अच्छा, उनकी विचारधारा को रखकर कर आगे चलेंगे और अच्छा, साफ सुथरा स्वच्छ बिहार को हम बनाने में योगदान देंगे अच्छा, और हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का विचार हमेशा अमर रहेंगे अच्छा, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो भारत रत्न दिए हैं सम्मान दिए हैं उसको मोदी जी को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ पर्सनल मोदी जी को मैं किसी पार्टी प्रोसेस

काम करेगा उसका गुणगान करेंगे जो गलत काम करेगा आपके चैनल के माध्यम से अखबार के चैनल के माध्यम से उसका पर्दाफाश करेंगे और जो अच्छा काम करेगा हमेशा उसको नमस्कार करेंगे ठाकुर समाज को कुछ कहना चाहेंगे हाँ ठाकुर समाज से यही कहना चाहेंगे कि आप में जो पैदाइशी शक्ति मिला है उस पैदाइशी शक्ति को जगाने की जरूरत है जो बीच में आप मैंने खामोश हो गए थे आप डरते हैं आप समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं यह बहुत दुख के विषय है आप जिस तरह इधर में दो हजार तेईस से चौबीस में जो अभी देखने को मिल रहा है उस तरह का आप बरकरार रखिए सरकार सारा बात को मानेगा और सारा काम करेगा और मैं पूर्ण विश्वास के साथ मैं बोलता हूं जैसे छत्तीसगढ़ का रिकेश सैन जी को जो आ, हमारे अभी विधायक बने हैं अच्छा। वो जो काम अपना क्रम पथ निभा रहे हैं वही तो क्रम है अच्छा। आज मैं नाई समाज से आह्वान कर रहा हूं और मैं निवेदन भी कर रहा हूं कि आप अपनी जो अंदर का जो गुण है आपको कहा जाता आप तेज हैं उस तेज को आप ऐसा कीजिए जो बिहार में दिखाई पड़े कि हाँ कि नाई समाज ही एकमात्र ऐसा है जो इसको समाज का नेतृत्व कर सकता है सवाल मेरे मन में आ गया हाल ही में अभी एक और वीडियो चल रहा है जिसमें तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं ये बात को उठा रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए अंत में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा तो भाई उसको भी तो कुछ सरे जाता है कि किनका किन तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं वो वीडियो चल जाएगा नहीं उठना चाहिए आप तो आप आए बोल दिए ऐसे वो कह रहे केंद्र सरकार झुक गया हम आवाज उठाए लगातार मेरे कारण झुक गया नहीं अंत में आके देना पड़ा नहीं गलत बात है तो नाई जो जो समाज सुने वीडियो में आप कुछ भी बोल दीजिएगा अच्छा ये नाई समाज जो अभी जो जगह है, है जिस प्रकार से हमारे अभी भारत में जग रहा है, है। बड़े बड़े आ, जो नाई समाज का जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं वो सब सजग हो गए हैं कि नहीं हमारा भी नेतृत्व करने की शक्ति है, है हमारा भी भागीदारी महत्वपूर्ण है मैं भागीदारी दूंगा हमारा पूर्वज शासन ने किया है तो उसका पैदाइशी खून हमारे खून में शासन करने की है ना आप हमको दूसरा काम में भिरा दिए हैं आप लोग बैठकर कुर्सी पर मलाई चाट रहे हैं ये कब तक देखेंगे आप देखने का नहीं है आप सिर्फ बिहार में गरीब गुरबा जनता को वो न्याय मिलेगा वो अशोक ठाकुर न्याय देगा बिहार की जनता को मैंने कहा था 2024 में सभी को घर और ये जो भी आएगा हमारे पास मैं दूंगा जिस अधिकारी जिस जिस किसी को आपत्ति होगा वो हमें न्यायालय में बुला लेगा और मैं साथ ही साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा को और न्याय समाज को मैं ये कर रहा हूँ निवेदन कर रहा हूँ कि इसको फिर न झुकने देंगे न रुकने देंगे इसको हमेशा वीर के तरह बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे जैसे कविता है कि वीर तुम बढ़े चलो हाथ में धजा रहे बल दल सजा रहे धज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं अच्छा। और भारतीय नाई समाज जो हमारे जो मैंने अभी जिस प्रकार से आ, परचम लहरा रहे हैं है। पढ़ाई में राजनीतिक में इस प्रकार से जो उभर के आ रहे हैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस प्रकार से नाई समाज आप अपना कला दिखाइए और अपना समाज का नेतृत्व करने का जो आप में शक्ति है उसको बरकरार रखिए अशोक ठाकुर आपके साथ है और आपको कैसे न्याय नहीं मिलेगा वो हम देखेंगे